नमस्कार दोस्तों, नव भारती टीटी कॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अधिगम असमर्थी बालकों के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अस्थि बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, स्वर्ण बाधित बालक, वाणी बाधित बालक, इन सब के बारे में आपको बताया है। आप मेरे वीडियो को देखें। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है अधिगम असमर्थी बालक। अधिगम नहीं करने वाले बालक कौन होते हैं? मतलब ये है कि अधिगम असमर्थी बालकों के सामने ऐसी दशाएं जो उनके मस्तिष्क में चोट लगने और मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाने के कारण किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को नहीं समझ पाना, उसके अर्थ को समझने में अगर उस बच्चे को कठिनाई हो रही है। मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि कोई भी दोष अगर बच्चे में है और वो बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, शब्द के भाव को नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चों ऐसे बालकों को अधिगम असमर्थी वाले बालक कहा जाता है। तो अधिगम असमर्थी वाले बालक कौन से हैं? मस्तिष्क में चोट लग गई, शारीरिक रूप से लकवा आ गया, तंत्रिका या स्नायु तंत्र में कोई खराबी हो गई, मस्तिष्क सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण जो भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके अर्थ को समझ पाने में अगर बच्चा असमर्थ है तो बच्चों उसको अधिगम असमर्थी वाले बालक कहा जाता है। अब बात आती है कि ऐसे जो बालक होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो पहली विशेषता है ध्यान केंद्रीकरण में कमी। अगर बच्चा आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा, आपकी बात को समझने में असमर्थ है। तो ध्यान केंद्रीकरण में अगर कमी है, संवेगात्मक योग्यता, उस बच्चे में संवेग होते हैं, उसको पता होता है, वो आज्ञाकारी होता है, शांत स्वभाव का होता है, क्लास में चुप रहता है, लेकिन वो जो टीचर समझा रहा है उस बात को नहीं समझता है, तो मतलब संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, वो शांत होता है, आज्ञाकारी होता है, लेकिन वो अधिगम को नहीं समझ पाता है। तो अगर क्लास में ऐसा बच्चा जिसमें संवेगात्मक योग्यता है, शांत रहता है, आज्ञाकारी है, सहिष्णु है, तो भी वो व्यक्ति अधिगम असमर्थी हो सकता है। अब बात आती है बच्चों अतिक्रिया। आपने देखा होगा क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप बच्चे को समझा रहे हो लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है और कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो भी वो व्यक्ति अधिगम असमर्थी वाले बालकों की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है बच्चों स्मृति व चिंतन में कमी। अगर बच्चों को याददाश्त नहीं है, बार बार आप उस बात को समझा रहे हो, बार बार उस टॉपिक को पढ़ा रहे हो, फिर भी बच्चा उसको अधिगम नहीं कर पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब है उसको याद नहीं होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कम है, वो अपनी स्मृति में उस चीज को नहीं रख पा रहा है। कई आप जानते हो बच्चों अमूर्त चीजों को भी अपने माइंड में बच्चे सेट कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे कि किसी चीज को देखने के बाद उसका अधिगम कर पाते हैं और चिंतन स्तर उनका बहुत ही कम होता है। अगर कोई बच्चा स्मृति नहीं कर पा रहा है, बार बार अभ्यास करवाने के बाद में भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो बच्चों वो बच्चा अधिगम असमर्थी वाला बालक हो सकता है। शारीरिक अंगों के संचालन में कमी। शारीरिक अंगों, हाथ शांत रहता है, बिल्कुल मौन रहता है, क्लास में कुछ नहीं बोलता है, सहपाठियों से बात नहीं करता, अंदर ही अंदर रहता है, अपने दैनिक क्रियाकलापों को भी नहीं करता है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बच्चों वो अधिगम असमर्थी वाले बालक होते हैं। फिर आता है संवेगात्मक रूप से प्रतिरोध। आप जानते हो कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, हम जिस चीज को सारे बच्चे सही बता रहे हैं वो उस बात को गलत कह रहा है, तो संवेगात्मक रूप से बातों का प्रतिरोध करता है, ऐसे बच्चे अधिगम असमर्थी वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशेष अधिगम असमर्थता,
मतलब ये है कि ऐसे बालक जो अधिगम नहीं कर पा रहे, नहीं सीख पा रहे हैं, गणितीय संक्रियाओं को नहीं कर पा रहे, भाषा का उच्चारण नहीं कर पा रहे, कई बच्चे लिख नहीं पा रहे, कई बच्चे संप्रेषण कौशल का विकास नहीं कर पा रहे, विज्ञान के प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे, तो ऐसे बच्चे अधिगम असमर्थि वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम असमर्थि वाले बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला, अधिगम असमर्थि बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं? ध्यान केंद्रीकरण में कमी होती है, संवेगात्मक योग्यता होती है, अति क्रियाएं करते हैं, स्मृति और चिंतन स्तर में कमी होती है, शारीरिक अंगों के संचालन में कमी होती है, शांत होते हैं, संवेगात्मक प्रतिरोध करते हैं और विशेष अधिगम असमर्थताएं इनमें विद्यमान होती है। मतलब कोई भी शारीरिक दोष इन अधिगम असमर्थता वाले बालकों में या तो शारीरिक दोष पाया जाएगा या उस बच्चे में मानसिक दोष पाया जाएगा। ऐसी असमर्थता वाले बालक जिनमें कोई शारीरिक दोष है या कोई मानसिक दोष है, तो ऐसे बच्चे ज्यादा अधिगम असमर्थता वाले बालक होते हैं। अब बात आती है बच्चों, पहचान कैसे करोगे? क्लास में बच्चा बैठा है तो आप किस आधार पर मानोगे कि ये बच्चा अधिगम असमर्थता वाला बालक है? भाषा सीखने व भाव व्यक्त करने में कठिनाई, कोई बच्चा बार बार समझा रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिर भी उसको नहीं सीख पा रहा है और अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आप बच्चे को क्लास में किसी टॉपिक के बारे में प्रश्न का उत्तर पूछते हैं तो बच्चा नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है वो अधिगम असमर्थि वाला बालक है। उसके बाद आता है सामान्य बालक से उत्तम होता है, अच्छा होता है, लेकिन आवश्यकताएं अलग अलग होती है। मान लो कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, उसमें हीन भावना आ जाती है, अगर उसको उपयुक्त या उचित वातावरण दिया जाए, उचित सुविधाएं दी जाए, उचित अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ा करके अगर उनकी एक्टिविटी को, उनकी क्षमता और योग्यताओं का अगर विकास किया जाए तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा अधिगम करेगा। तो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। शारीरिक अंगों की समस्या, किसी बच्चे के लकवा हो रखा होता है, कोई बच्चा पोलियोग्रस्त होता है, कोई व्हील चेयर पे चल रहा होता है, कोई दृष्टि बाधित होता है, कई ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, कई बच्चों में बहुआयामी विकलांगताएं पाई जाती है, तो ये शारीरिक अंगों की समस्या अगर बच्चे में होती है तो बच्चे में हीन भावना का विकास हो जाता है और वो बच्चा अधिगम नहीं कर पाता, वो बच्चा सीख नहीं पाता है। इंद्रियों का सही ढंग से प्रयोग करने में असमर्थ, शारीरिक अंगों का संचालन नहीं कर पाते, दैनिक क्रियाकलाप नहीं कर पाते, शरीर का संतुलन नहीं बना पाते, शारीरिक व मानसिक संतुलन को स्थापित, उनमें तालमेल स्थापित नहीं कर पाते। कौन से बच्चे? अधिगम असमर्थि वाले बालक। ज्योमिति आकृति बनाने और समझने में, गणितीय संक्रियाओं को समझने में इन बच्चों को कठिनाई होती है, अधिक संवेदनशील होते हैं, ये अतिक्रियाएं करने लग जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार बहुत आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो ऐसे अधिक संवेदनशील होते हैं ये बच्चे, आज्ञाकारी होते हैं। तो इन आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये बच्चे अधिगम असमर्थि वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से हैं? जो बच्चे भाषा सीखने व भाव व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ऐसे बच्चे जो सामान्य बालक से उत्तम लेकिन आवश्यकताएं उनकी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक अंगों की जिन बच्चों में समस्याएं होती है, इंद्रियों का सही ढंग से प्रयोग करने में जो बच्चे असमर्थ होते हैं, ज्योमिति आकृति बनाने व समझने में जिनको कठिनाई होती है, अधिक संवेदनशील होते हैं, अधिक आज्ञाकारी होते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? अधिगम असमर्थि वाले बालकों के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है बच्चों, कारण क्या है अधिगम असमर्थता के? कारण क्या है कि बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है? उसके पीछे कारण हो सकता है दोषपूर्ण मस्तिष्क के कार्य प्रणाली। आप जानते हो कई बच्चे लकवाग्रस्त हो जाते हैं, स्नायु तंत्र विकसित नहीं होता है, इसके अलावा भी सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार हो जाते हैं, मस्तिष्क के पक्षाघात के शिकार हो जाते हैं, अपने शरीर और मन दोनों में संतुलन और तालमेल स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ और पैर नहीं चल पाते, उनके संचालन में उनको कठिनाई
आ रही है, उनको उठने में कठिनाई आ रही है, उनको बैठने में परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा दोषपूर्ण मस्तिष्क के कार्य प्रणाली से ग्रस्त होता है। और अगर बच्चा का मस्तिष्क सही नहीं होता तो वो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है। शारीरिक दोष, अगर किसी बच्चे में शारीरिक दोष है, मतलब दृष्टि बाधित है, अगर बच्चा स्वर्ण बाधित है, गणितीय असक्षमता है, लिखने में असमर्थ है, भाषा दोष से पीड़ित है, तो ऐसे बच्चे उच्चारण करने में कठिनाई आ रही है, कई बच्चे बोलने में हकलाहट या तुतले बोलते हैं, उच्चारण दोष पाया जाता है, अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, तो उनमें हीन या कुंठा भावना का विकास हो जाता है और वो क्लास में अच्छा नहीं कर पाते हैं। अर्ध सामान्य शारीरिक विकास, कई बच्चों का पूरा विकास नहीं होता, उनकी विकास की गति धीरे धीरे चलती है, तो जो बच्चे जिनका अर्ध सामान्य शारीरिक विकास होता है वो बच्चे भी अच्छा अधिगम नहीं कर पाते। जैसे कई बच्चे बहुत पतले होते हैं, कई बच्चे बहुत नाटे होते हैं, तो वो बच्चे अपने आप में हीन भावना और कुंठा का अनुभव करते हैं, और जब क्लास में वो बैठते हैं तो सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। और जब कोई बच्चा क्लास में समायोजन नहीं कर पाता, शिक्षक के साथ समायोजन नहीं कर पाता, अंतःक्रिया नहीं कर पाता, तो वो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है। कम बुद्धि लगती, आप जानते हो क्लास में मंदबुद्धि बच्चा भी बैठता है, औसत बच्चा भी बैठता है, प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठता है और सृजनशील बालक भी बैठता है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो प्रतिभाशाली बच्चा एक बार में ही सीख लेता है, औसत बच्चा दो या तीन बार में सीखता है, लेकिन मंद बुद्धि बालक को समझ में नहीं आता है, उसके लिए टीचर को चित्र, पारदर्शक मानचित्र, नमूना, मॉडल, इन सब का यूज करना पड़ता है। तो जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, प्रतिभाशाली एक बार में सीख जाता है, तो मंद बुद्धि बालक में असमर्थता आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, जिसके कारण भी वो अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है, कठिन शब्दों को नहीं समझ पाता, कठिन विषयों को नहीं समझ पाता, ज्योमिति आकृति को नहीं समझ पाता, उच्चारण दोष को नहीं समझ पाता, व्याकरण को नहीं समझ पाता, तो वो बच्चा उसका अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद आता है जन्म स्थिति। ये आप सब जानते हैं बच्चों कि जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म के बाद जब वो माता पिता के साथ रहता है, तो माता और पिता का आपस में लड़ाई करने से परिवार में तनाव रहता है। जब तनाव की स्थिति में बच्चा स्कूल जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ सकता, तो घर का वातावरण, माता पिता का बच्चे के प्रति संवेदनशील व्यवहार, अच्छा आचरण अगर नहीं होता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, लड़ाई झगड़ा अगर घर में रहता है, तो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो दुश्चिंताओं से गिर जाता है, तनाव से गिर जाता है, कुंठाओं से गिर जाता है, तो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ होता है। हो सकता है उसमें क्वालिटी है, वो अच्छा अधिगम कर सकता है, लेकिन तनाव और चिंता और माता पिता के व्यवहार के कारण वो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है। संवेगात्मक कारण, संवेगात्मक वही कारण है कि आपका बच्चे के साथ कैसा व्यवहार है, शिक्षक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर मंद बुद्धि बालक है या शारीरिक दोष से पीड़ित है या मस्तिष्क के पक्षाघात से अगर पीड़ित बच्चा है और उसका शिक्षक का रवैया नकारात्मक है, तो वो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ महसूस करेगा। वातावरण, वातावरण का बहुत बड़ा गेम है, जो चाहे वो विद्यालय का वातावरण हो, चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे अपने आसपास का वातावरण हो, अगर वातावरण उत्तम है, वातावरण अगर शैक्षिक वातावरण बच्चे को उपलब्ध हो रहा है, शैक्षिक उपकरणों उसको उपलब्ध हो रहे हैं, घर में उसको सकारात्मक व्यवहार मिल रहा है, सकारात्मक रवैया मिल रहा है, माता पिता अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आस पड़ोस का जो वातावरण है वो अच्छा है, तो बच्चा समायोजन कर लेता है और अधिगम करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को उत्तम वातावरण नहीं दिया जाता तो बच्चा अधिगम करने में असमर्थ हो जाता है। तो बच्चों कारण क्या है, दोषपूर्ण मस्तिष्कीय प्रणाली, दूसरा शारीरिक दोष, तीसरा अर्ध सामान्य शारीरिक विकास, नेक्स्ट कम बुद्धि लगती, नेक्स्ट जन्म स्थिति, संवेगात्मक कारण और वातावरण, ये सब अधिगम असमर्थी बालकों के कारण है। अब आता है
कि इन अधिगम असमर्थी बालकों के लिए ऐसी कौन सी शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षकों का व्यवहार ऐसे बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए कि इन बच्चों को भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं और एक ही प्रकार की शिक्षा इनको उपलब्ध करवा सकते हैं। आप जानते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को अगर जो भी अनुदेशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अनुदेशन दिया जा रहा है उसको बोर्ड पर बार बार में क्या होना चाहिए, मुद्रण होना चाहिए। अगर मुद्रण होता है तो वो उस बात को जल्दी सीख जाता है, सरल भाषा का प्रयोग। आप जानते हैं अगर शिक्षक पढ़ा रहा होता है और अगर इजी से इजी, जितना इजी टॉपिक को बना सकता है वो शिक्षक बना सकता है। तो शिक्षक अगर सरल भाषा का उपयोग करके अगर भाषा का उच्चारण करता है, भाषा व्याकरण का ज्ञान देता है, गणितीय अक्षमता से जो असमर्थता वाला बच्चा है उसको सिखाता है, तो बच्चा अधिगम कर लेता है और उसमें जो हीन भावना थी वो सकारात्मक रवैये में तब्दील हो जाती है। लय द्वारा गीत गाकर सुनाए जाते हैं। आप जानते भी होंगे छोटी छोटी क्लासों में बच्चों से कविताएं बुलवाई जाती है, उनसे स्टोरी सुनवाई जाती है, स्टोरी शिक्षक बोलता है, बच्चे उसको सुनते हैं, टीवी पर उनको कहानियां दिखाई जाती है, टीवी पर उनको कार्टून्स दिखाए जाते हैं ताकि बच्चा उन कार्टून्स को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके कुछ तो अधिगम कर सके। कार्टून चित्र, आप जानते हैं स्कूल में जो आपके प्री प्राइमरी वाली जो स्कूल्स है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ए आ ई स्वर व्यंजन या कोई कविता सिखानी है, कोई कहानी सिखानी है या उस कहानी के माध्यम से बच्चों को कोई संदेश देना है तो वो कार्टून चित्र के माध्यम से दिए जाते हैं। और कार्टून चित्र में जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे ज्यामिति आकृति बना दी, इसके अलावा जैसे आपने ये बना दिया, ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना के कार्टून चित्र के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है। ममत्व का भाव, शिक्षक को ऐसे बालकों के प्रति ममत्व का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ लगाव का व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको लगे, ताकि अगर उसको अधिगम नहीं हो पा रहा है तो वह टीचर को बोलने में समर्थ हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर टीचर उसके प्रति ममत्व का भाव रखेगा तो बच्चा बार बार आपसे उस प्रश्न को पूछेगा और उसका आप उसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो अगर टीचर का ममत्व का भाव है तो भी बच्चा अच्छा कर पाएगा। सरल कार्य, आप जानते हो कि हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, अगर अधिगम असमर्थता वाले बच्चे हैं तो उनको सरल कार्य दिया जाए, सरल कार्य होमवर्क में दिया जाए ताकि उनमें अभिप्रेरणा का विकास होगा। और आप जानते हैं मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर बच्चे में अभिप्रेरणा है तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है, और जिस बच्चे का संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है बच्चों, वो अधिगम असमर्थता वाला बालक भी आगे जाकर के अच्छा अधिगम कर सकता है। तो यहाँ सरल कार्य करेंगे तो अभिप्रेरणा जागृत होगी, और अभिप्रेरणा जागृत होगी तो बच्चे में संवेगात्मक बुद्धि का विकास होगा, और जिस बच्चे में संवेग को नियंत्रण करने की कैपेसिटी है वो बच्चा अधिगम कर जाएगा। उस बच्चे को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब सामूहिक कार्य में ये पता नहीं चलता कार्य किसने किया, सामूहिक कार्य में जब छोटे छोटे कार्य उनको दिए जाएंगे वो उसको करेगा तो उसमें अभिप्रेरणा का विकास होगा। अनुकूल अनुदेशन, समय समय पर बच्चे को अनुदेशन देना चाहिए, उसको मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए जाने चाहिए, उसको अलग प्रकार की सूचनाएं दी जानी चाहिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो टीचर के द्वारा उसको समझाया जाना चाहिए, तो मोरल एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए। पाठ्य वस्तु को मूर्त व स्थूल बनाना, आप जानते हैं पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हो उसका चित्र दिखाया गया है, मानचित्र के द्वारा उसको समझाया गया है, ग्लोब के माध्यम से समझाया गया है, ज्यामिति आकृति को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो बच्चा उसको मूर्त स्वरूप को जल्दी धारण कर लेता है। और स्थूल मतलब ये है अमूर्त कोई बात अगर बताई जाती है तो बच्चे को वो चीज़ देरी से समझ में आती है, लेकिन जब बच्चे को चित्र के माध्यम से, नमूना का माध्यम से, मॉडल बना करके अगर बच्चे को मानचित्र के द्वारा, बच्चे को प्रोजेक्टर के द्वारा, फिल्म स्ट्रिप के द्वारा,
टीवी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा अगर वो चीज सिखाई जाए तो बच्चा अच्छा अधिगम कर सकता है। तो शिक्षक अगर बच्चे के प्रति ममत्व का भाव रखे, संवेगात्मक व्यवहार के बारे में बताए, उसके साथ संप्रेषण करे, माता पिता से सलाह करे कि किस प्रकार बच्चा जो है किन चीजों का अधिगम नहीं कर पा रहा है, भाषा सीखने में असमर्थ है, तो उसकी अलग से कक्षाएं लेकर के उसमें हीन भावना का जो विकास हो रहा है उसको दूर करने का क्या किया जाना चाहिए बच्चों, प्रयास किया जाना चाहिए। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा अधिगम असमर्थी वाले बालक वो बालक है जो मस्तिष्क में चोट लगने, मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे बच्चे अधिकम असमर्थी वाले बच्चे होते हैं। इनमें ध्यान केंद्रीकरण की कमी होती है, संवेगात्मक योग्यता का अभाव होता है, अति क्रिया करते हैं, स्मृति व चिंतन में कमी होती है, शारीरिक अंगों के संचालन में कमी आती है, संवेगात्मक प्रतिरोध करते हैं और विशेष अधिगम असमर्थताएं इनमें मौजूद होती है। पहचान में, भाषा सीखने व भावों को व्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। सामान्य बालक से उत्तम लेकिन आवश्यकताएं इनकी भिन्न भिन्न होती है। इंद्रियों का सही ढंग से प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। ज्योमिति आकृति बनाने और समझने में इनको कठिनाई होती है। दोषपूर्ण मस्तिष्क के कार्य प्रणाली, शारीरिक दोष, अर्ध सामान्य शारीरिक विकास, कम बुद्धि लब्धि, जन्म स्थिति, संवेगात्मक कारण और वातावरण अधिगम असमर्थति वाले बालक के कारण हो सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे बालकों को अनुदेशन को मुद्रण करना चाहिए, इनको पढ़ाने के लिए सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, लय द्वारा गीत को सिखाया जाना चाहिए, कार्टून चित्र के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, शिक्षकों का उन बालकों के प्रति ममत्व का भाव होना चाहिए, बच्चों को सरल कार्य दिए जाने चाहिए, सामूहिक कार्यों में उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अनुकूल अनुदेशन देना चाहिए, पाठ्य वस्तु को मूर्त व स्थूल रूप देना चाहिए। इसके अलावा सामान्य जो अच्छा बालक है, अच्छे साथी के साथ इन बालकों को बिठाया जाना चाहिए। अच्छे बालक अगर इनके साथ बैठेंगे तो वो बच्चा सामान्य बालक जैसा व्यवहार करने लग जाएगा और अच्छा समझने की क्या करेगा बच्चों, कोशिश करेगा। बालक को अभिप्रेरणा देनी चाहिए, अच्छे साथियों के साथ बिठाना चाहिए। अच्छे साथियों के साथ बिठाओगे, सिखाई गई वस्तु को दोहराना चाहिए, अभिप्रेरणा देनी चाहिए, अच्छे साथियों के साथ उनको बिठाना चाहिए और जो भी विषय वस्तु टीचर के द्वारा पढ़ाई गई है उसको बार बार में दोहराना चाहिए। हो सकता है उसके पूरी समझ में नहीं आए, लेकिन अगर उसको थोड़ी भी समझ में आ गई तो वह बार बार उसका अभ्यास करके उस चीज को क्या कर लेगा बच्चों, कवर कर लेगा। तो मैंने आज आपको अधिगम असमर्थी वाले बालकों के बारे में पढ़ाया, उसमें विशेषताएं, पहचान, कारण और शिक्षक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर दीजिए, कमेंट दीजिए। और बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा सीटेट, रीट और आगे आपके एग्जामों के लिए भी नेट, इनके लिए भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियोज है। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूं, आप इसको ध्यान से सुने, समझे और इनको शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में जो मैं आपको वीडियो बताऊं दिखाऊं तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।